फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वीडियो है, बिहार में पुल गिर जाने पर क्या बोले खान सर। अच्छा, एक आपके न्यूज से पता चला था कि कोई पुल जो है वो गिर गया है, और वो उसी टाइम पीरियड में हुआ था जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, ओडिशा का ट्रेन एक्सीडेंट उसी टाइम के आसपास। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। यूएसए में भी एक जगह हाईवे गिर गया है, हाईवे का पुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये जो पुलवा गिरा है ना, सुल्तानगंज में जो बन रहा था, यही वाला गिर गया। अभी जो पुलवा गिरा है ना, वो इसी पे है। इस वाला खोखला है, जमीन के अंदर रहता है, इसको दोबारा मेंटेनेंस करने में जान निकल जाएगी। ये बताइए, जो ब्रिज का ये पाया दिख रहा है, ये पिलर है या पियर कैप है या पाइल कैप है? क्या सबसे पहले जमीन के अंदर डाला जाता है पिलर? क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? पिलर। क्या डालेंगे? पिलर डाल देते हैं। अब पिलर के ऊपर बनाते हैं पिलर कैप। कौन सा कैप? पिलर कैप। पिलर कैप के ऊपर पियर। क्या पियर? पिलर के ऊपर पियर। सुनिए ध्यान से, पहले लिख भी दो, पता चल जाए क्या है। देखिए, और फिर से ये है पियर कैप, पियर कैप, पियर। ये पाइल मतलब होता है गड्ढा, पाइलिंग। हम उल्टा बोल दिए इसी को। देखिए, पिलर कहिए, पिलर छोटा होता है और पाइलिंग गहरा होती है। घरों में डालते हैं तो पिलर, और ब्रिज में डालेंगे तो पाइलिंग बहुत गहरी होती है। तो ये क्या है? पाइल। और ये पाइल कैप, और ये पियर, और ये हो गया पियर कैप। ब्रिज को किस पे रखा जाता है? पियर कैप। ऐसा क्यों करते हैं लोग? ध्यान से समझिए, दो रीजन है। ये हिस्सा जमीन के अंदर रहता है। अगर हम डायरेक्ट पिलर को इस पे रख देते, ब्रिज को डायरेक्ट इस पे रखते, इन केस अगर कोई हादसा होता तो ये ब्रिज इसको हिलाता, ऐसे पूरा इसको हिला देता। और ये जमीन के अंदर रहता है, इसको दोबारा मेंटेनेंस करने में जान निकल जाएगी लोगों की, बहुत खर्चा आएगा। तो बेटर क्या है कि भैया हम लोग इसके ऊपर क्या खड़ा कर देते हैं? पियर और पियर कैप, पाइल, पाइल कैप, पियर, पियर कैप। और इसके ऊपर हमने पुल को क्या करते हैं? दौड़ा देते हैं। लाइव वाले समझो लोग, इनकेस अगर पुल में गड़बड़ी हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, कुछ भी हुआ, पुल उड़ेगा, पियर कैप उड़ेगा, पियर उड़ेगा, काम खत्म, इसको कुछ नहीं होगा। तो ये तो पिलर वाला सेक्शन समझ गए। अब यहां समझिए ध्यान से, देखिए ये है आपका बाहर वाला एरिया है, इसी पे ब्रिज को रखना है पियर कैप पर। किसमें? पियर कैप। अब पहले इसमें ना एक पूरा शटरिंग बांध के ढाला जाता था, बड़ी झमेला होता था, ट्रैफिक जाम रहती थी, अलग है। अभी क्या है, पाया पाया डाल दिया और एक जगह कास्टिंग यार्ड बना देगा। कास्टिंग यार्ड वहां उसे कहते हैं जहां पे बाकी सारी चीजें बनती रहती है। जैसे हमने हमारे यहां बन रहा है ना, एक सेगमेंट है, ऐसे लगाते जोड़ते जाते हैं, 4-5 को देखा है। ये एक मशीन एक एरिया ले लेगी, कॉन्ट्रेक्टर कंपनी क्या करेगी, किसी किसान उसान से, कंस्ट्रक्शन साइट से 1-8 किलोमीटर की दूरी पर लीज पे 2 साल के लिए जमीन वहां ले लेगी। भैया हम तुम्हारा 2 साल का किराया देंगे। अब वहां पे क्या करेगी, मशीनें लगाएंगी, इसका सांचा, स्टील का सांचा बना देगी, डेली 10 गो सेगमेंट बनाएगी, उसको निकाल के रखेगी, पानी में तरी देगी, स्ट्रेस चेक करेगी, सब कुछ एक जगह गोदाम में ले जाके स्टॉप कर देगी। और जब तक इधर उसी कंपनी का एक टीम रहेगा पिलर बनाएगा, एक कंपनी कास्टिंग यार्ड में क्या बना रहा है, सेगमेंट, और एक कंपनी क्या बना रहा है, पिलर। उधर सेगमेंट बन के तैयार हो जाएगा, इधर पिलर बन के तैयार हो जाएगा। पिलर में ज्यादा रोड डिस्टर्ब नहीं होती, जहां तक है वहीं तक होगा। अब इस पे उठाएंगे गैंट्री लीवर। ये क्या है? गैंट्री लीवर। ये क्या है? गैंट्री लीवर। गैंट्री लीवर बहुत हैवी होता है, 100-100 टन वजन रोक लेता है। गैंट्री लीवर के 2 गो पैर होते हैं, एक गो पैरवा रखता है इधर वाले पिलर पे, और एक गो पैरवा रखेगा इधर वाले पिलर पे। अब दोनों पिलर के ऊपर पैरवा रख लिया गैंट्री लीवर, समझ में आ रहा है? इस पिलर से दूसरे पिलर पे गैंट्री लीवर खड़ा हो गया। कास्टिंग यार्ड से ट्रक पे इसको लोड करेगा, ट्रक पे लोड करके गैंट्री लीवर के नीचे ट्रकवा खड़ा हो जाएगा। गैंट्री लीवर के नीचे क्या खड़ा हो जाएगा? ट्रक। अब इस गैंट्री लीवर में हुक होता है, देखिए हुक है, इसमें जितना सेगमेंट रहेंगे उतना उतना सेगमेंट वो गैंट्री लीवर वा घीच घीच के टाल लेगा, उठा के डालना, सबको घीच घीच के क्या कर लेगा, टाल लेगा, उठा लेगा, ट्रक चली जाएगी, फिर ट्रक आएगी, देखो दूसरा हुक से दूसरा को उठाएगा, मान के चले 20-25-30 गो दिखाओ यार सेगमेंट है, वो सारा सेगमेंट वर्क उठा के टाल लेगा,
जेंट्री लीवर, उसका कहेगा ट्रक जाओ। अब इनका सांचा देखिएगा दांत दांत जैसा होता है, देखिए इसमें कुछ दांत दांत जैसा निकला है लॉक, एक दूसरे से लॉक में फंस जाएंगे। तो बराबर फंस गए, क्या बन गए, बराबर फंस गए। अब बताइए अगर हम इसमें हुक दिख रहा है, छेद 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 दिख रहा है, बहुत सारा छेद दिख रहा है कि नहीं। अब ये गेंट्री लीवर क्या करेगा, सबको एक में मिलाएगा। अब बीच में खोखला है, देखिए पूरा खोखला है, सेगमेंट का क्या है, पूरा खोखला। जब गेंट्री लीवर सबको एक में मिला देगा, जितना होल है एक पे एक आ जाएंगे सब। अब इसमें डाला जाएगा स्टील का वायर, उंगली इतना मोटा तार लाएगा, यही बना रहेगा छोटे छोटे पतले वायर से, उसकी मजबूती बढ़ गई। और ऐसा ऐसा एक मुट्ठी रहेगा यहाँ पे, समझा गया, उसको एगो में कोचेगा इसे इधर से, आ कोच के कहां तक निकालेगा, दूसरे तरफ यहां से कोचेगा इस एरिया तक सी देगा। सुगा कैसे सीधा जाता है, सील देगा यहाँ पे। और गेंट्री लीवर तो एक लेवल में लगा के रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, एक वो सीएगा इसमें। और ऐसा ऐसा कई गो होल है, जरा चेक करो तो ऐसा ऐसा कितना होल है कि नहीं। यहाँ पे अलग अलग है, जितना जैसे पुल की क्षमता है, जिस लेवल का बनाना है उस लेवल की कास्टिंग की जाती है उसकी, और उसको भर देगा। अब तो दोनों हो गया, अब एंट्री लेवल खोल दें, ना 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 ना, गिर जाएगा धाए से। अब क्या किया जाएगा, जितना हम लोग गूथे हैं, ये जो गूथे थे यहाँ पे, इस साइड से जब निकलेगा और एक इस साइड से निकलेगा, तो यहाँ एक मशीन रखा जाता है जो खींचता है। देखिए जितना तानेंगे ना उतनी प्रत्यास्था उसकी बढ़ेगी। तो जो गुथा गया है उसमें अगर लूज रहेगा तो पचक जाएगा। तो इस पुल पर अधिकतम कितना लोड जाएगा, मान के चलिए एक के बार में एक के सेगमेंट वहां पर 20 गो ट्रक जाम में फंस गया, वहां पर पूरा थोड़े निकाला था, एक पाया से दूसरे पाया ना निकालेंगे, उसमें अधिकतम 20 गो ट्रक फंस गया, उतना लोड का इधर से खींचेगा तारवा को, और उसी तारवा को ससुर एगो एन्ने से खींचेगा, पूरा धाके चाप देगा इसे यहाँ पर, समझा गया। और जब चाप देगा और इधर नट से कस देगा, नट से कस देगा, और इधर भी नट से कस देगा, खींच दिया और उसे नट से कस दिया, कस दिया। अब बताइए लूज हो गया, कसने के बाद जो एक्स्ट्रा निकला रहेगा उसको काट देगा और उसमें गिरीस भर देगा, गिरीस नहीं तो मौसम से जंग लग जाएगा। आएगा ढक्कन लगा के बंद कर देगा, जा बंद हो गया यहाँ पे। इसी को कहते हैं पोस्ट, मतलब बनने के बाद में स्ट्रेसिंग, पोस्ट स्ट्रेस इसे कहेंगे। सेगमेंटल ब्रिज किसके दम पे चल रहा है, ये स्टील वायर। ये ससुरा होता है खोखला, देख लीजिए आर पार जा सकते, बीच वाले में क्या होता है खोखला होता है, इसमें आर पार जा सकते, खोखला रहने से फायदा है, ब्रिज का लोड कम होता है, पूरा भर देंगे अपने लोडवा से ब्रिज पहुंच जाएगा अंदर यहाँ, समझा गया। जैसे मान के चलिए इस पे पाया बना दिया ना, अभी क्या करेगा गेंट्री लीवर, अपना ई वाला पैरवा उठाएगा, आगे वाले पाया पे रखेगा, आप पीछे वाले को समेट के लेके इस पे रख देगा, ऊपर ऊपर चलेगा गेंट्री लीवर और नीचे नीचे ट्रक, ट्रक ले आएगा सेगमेंट देगा, ऊपर ऊपर उठाते चलेगा, ऊपर ऊपर क्या करता है उठाते चलता है, बढ़िया व्यवस्था है कि नहीं। नीचे बाढ़ आए तो दिक्कत हो जाता है, तो पानी वाली जहाज पे लाद के लाएगा गेंट्री, उसको सेगमेंट को ऊपर वाला मशीन क्या कहते हैं गेंट्री लिम। यही गिर गया था एक बार, ये जो पुलवा गिरा है ना उसमें पिछले साल भी गिर गया था गेंट्री लीवर वा। आगे बढ़ जाए, अच्छा कभी कभी दो पायों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रखना होता है, तब तो भाई स्टील वायर ज्यादा नहीं रोक पाएगा, रोक पाएगा लंबी। लिमिट होती है ना बाबू किसी चीज की, मान के चलिए यहाँ एक पाया है और एक पाया यहाँ है और दूसरा पाया यहाँ है, तब तो समझ में आता है गेंट्री लीवर लगाओ स्ट्रेसिंग करो रोक लेगा, और पिछवा ले तो नहीं रोक पाएगा। इसके लिए तरीका भी है, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना जी काहे टेंशन लेता है, यहाँ सेगमेंट बाई सेगमेंट ब्रिज बनाएंगे हम, यहाँ सेगमेंट बाई सेगमेंट बना दे रहे हैं। अरे पहले ब्रिज बना दे तो बाद में सेगमेंट बनेगा, सेगमेंट बना दिए बन गया, इसमें अब क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रेसिंग, क्या कर रहे हैं स्ट्रेसिंग, प्री स्ट्रेसिंग है या पोस्ट स्ट्रेसिंग, अरे बाद में नहीं स्ट्रेसिंग कर रहे हैं जी, प्री स्ट्रेसिंग थोड़ी है क्या, पोस्ट पोस्ट स्ट्रेसिंग कर दिए, लेकिन स्पैन के बीच की दूरी ज्यादा है, हमें डर है कि बीचवा से पचाक ना जाए। अब इसके लिए फिर वायर का प्रयोग करेंगे स्टील का, हम कहेंगे कि बाबुआ हो ऐसे काम ना चलतो, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर बनाएंगे,
पिलर को, इसको यहाँ से और ऊपर बनाएंगे और यहाँ से फिर वायर जोड़ेंगे यहाँ पे। ओ, कभी ऐसा डिजाइन होता है वो, हमें लगता था सुंदर बनाने के लिए नहीं है। अभी जो पुलवा गिरा है ना वो इसी पे है। आजकल ऐसी तो बनते हैं सारे मोस्टली, डिपेंड उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समझा गया? ऐसा पुल इलाहाबाद का नैनी में है, कश्मीर का अंजी ब्रिज है, समझा गया कि नहीं गया? इसे कहते हैं एक्स्ट्रा केबल, एक्स्ट्रा डोज, जैसे डबल डोज वैक्सीन है ना, तो एक्स्ट्रा डोज ना दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा डोज केबल। किसी को दिक्कत? ये सुल्तानगंज में जो बन रहा था यही वाला बन रहा था, यही वाला गिर गया यहाँ पे। कैसे कैसे पुल ब्रिज बन गया, समझ में आ गया? यार बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था, आज मुझे पता चला ब्रिज कैसे बनता है, और आज मुझे पता चला ब्रिज टाइप का ब्रिज है, सेगमेंट वाला, पर मुझे भी पता चला ब्रिज पे मत जाओ भैया, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसी ने कहीं गड़बड़ कर दी, किस्मत खराब हो तो अगर वो तार जो डाली है इन्होंने स्टील की वो कहीं से कुछ खराब खरूब हो जाए। डिफरेंट ब्रिजेस हैं, यहाँ ट्रस होती है नीचे, हर एक का अपना डिजाइन है। तो डर लग रहा है, आप सोच के कि इतना कॉम्प्लिकेटेड, और इसीलिए आप ब्रिज के ऊपर कभी जाते हैं तो ट्रक जाते हैं तो हिलता है। हाँ हिलता है, डिपेंड करता है किस टाइप का ब्रिज है। सैन फ्रांसिस्को का जो गोल्डन ग्रेट ब्रिज है वो क्या यही है? नहीं वो तो डिफरेंट है, मगर वो ज्यादा हिलता नहीं है, उसमें वो कुछ ज्यादा ही लोहे टाइप से फ्रेम है, हर एक का अलग है, मगर ये है कि अगर छोटा ब्रिज बनाना है तो ये बन जाता है, बहुत बड़ा बनाना है तो दूसरे टाइप का बनता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। मगर कई ब्रिजेस होते हैं जहाँ पे ट्रैफिक जाता है पूरा झूलता है, ये वाला झूलेगा, डेफिनेटली झूलेगा ये वाला। माय गॉड, इस टाइप के हमने कई जगह देखे, मैं कई सब देखूं, बहुत जगह देखे मैं, मतलब वीडियोस में भी कई जगह देखे हुए। yes. मुझे लग रहा है यहाँ पे भी जहाँ हम जाते हैं वो वाला ब्रिज जो है वो वैसा ही नहीं है, सब उसमें ऐसे ऐसे दिखते हैं लगे हुए, अब पता चला है। और वो बता रहे हैं कि जो अभी ब्रिज जो गिरा था इंडिया में बिहार में वो इसी टाइप का ब्रिज था। माई गॉड, क्यों गिरा भैया, ध्यान से बनाना चाहिए, पर है कौन जो लाइफ के हिसाब से उसके बनाया होगा, देखते हैं मेंटेनेंस नहीं होगी या कोई नई बात है। बनाते ही एग्जैक्टली पता नहीं है कि बनाते हुए गिरा कि कुछ समय बाद गिरा कि पहले भी एक बार ऐसी हुआ है। आई होप कि किसी की जान ना गई हो, वी डोंट नो, आई होप नॉट। मुझे ये तो आप लोगों ने बताया था कि कुछ उस टाइप से कोई कैजुअलिटीज हुई है, आई होप नॉट यार, पर आज पता चला ब्रिज बनता कैसे। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।